So let's see our next question. We have to evaluate sine and then 2 times of sine inverse 0.6. Okay. So हम लोग पहले इसको बोल सकते हैं. This can be written as sine and then 2 times of sine inverse 0.6 can be written as 6 upon 10, which is ultimately gives us 3/5. Okay. So हमारे पास यहाँ पे है sine, यहाँ पे है 2 times of sine inverse 3/5. तो हम इसको ये बोल सकते हैं sine inverse 3/5 plus sine inverse 3/5. Okay. So ये हो जाएगा हमारे पास sine and then we can say 2 times की जगह पे हम बोल सकते हैं sine inverse 3/5 plus sine inverse 3/5. याद रखिएगा यहाँ पे आप लोग sine inverse a plus sine inverse b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट क्योंकि हमारे पास NCERT बुक्स में ये फॉर्मूला गिवन नहीं है और CBSE गाइडलाइंस में भी ये फॉर्मूले का जिक्र नहीं है, इसलिए आप लोग कभी भी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे. वैसे इसके पास हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं जो आपकी हेल्पिंग बुक्स में दिए भी होंगे आप लोगों के पास, आप अपनी नॉलेज के लिए उसको पढ़ सकते हैं. बट हम लोगों को जो भी काम करना है वो सिर्फ 2 फॉर्मूलों के साथ करना है. एक है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई और एक है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई. ओके. सो हम लोगों का मेन टास्क होगा कभी भी जो हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला बनता है जहाँ पे कुछ और हमसे मांगता है वो, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे टैन इनवर्स के फॉर्मेट में. ओके. तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे टैन इनवर्स के फॉर्मेट में. ध्यान से देखें, यहाँ पे हम लोगों के पास है यहाँ पे साइन इनवर्स, रफली काम करना आप लोगों को, आप चाहे तो फेले दिखा भी सकते हैं इस चीज़ को. साइन इनवर्स 3/5 है, आपको पता है कि साइन इनवर्स जो होता है वो पी बाई एच होता है, यानी कि पी आपके पास 3 है, एच आपके पास 5 है और टैन जो होता है वो होता है आपके पास पी बाई बी. ओके. सो पी आपके पास हो जाएगा 3 और इसके हिसाब से आपका बी हो जाएगा 4. तो आप इसको बोल सकते हैं, इस पूरे सवाल को आप बोल सकते हैं साइन एज इट इज, देन दिस कैन बी रिटन एज टैन इनवर्स व्हाट 3/4 प्लस टैन इनवर्स 3/4. ओके. नाउ ध्यान से देखें आप लोग, यहाँ पे जो आपका x और जो y है वो बिल्कुल सेम टू सेम है. अब ध्यान से देखें x इंटू वाई करने पे कितना मिल रहा है आपको, 3/4 इंटू 3/4 करने पे आपको मिलेगा 9/16, जो ऑब्वियसली छोटा है 1 से. सो आप यहाँ लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फर्स्ट फार्मूला जो आपको देगा साइन एज इट इज, एंड दिस विल बिकम वॉज, दिस विल बिकम tan इनवर्स, दिस इज x प्लस y एंड देन होल अपॉन में क्या मिलेगा आपको 1 माइनस x इंटू वाई, या फिर जो हमने प्रीवियसली एक वीडियो में डिस्कस किया था tan inverse 2 tan inverse x का फॉर्मूला भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि होता है 2 टाइम्स ऑफ x और 1 अपॉन में x स्क्वायर, जो कि इसी फॉर्मूले का सिंप्लीफाइड वर्जन होता है. ओके. नाउ आप इसको बोल सकते हैं क्या, आप इसको बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट साइन एज इट इज एंड देन tan इनवर्स एज इट इज, दिस विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ 3/4 एंड दिस विल बिकम 1 माइनस में 9/16. ओके. थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी आप लोगों को यहाँ पे. तो ये हो जाएगा साइन एंड देन टेन इनवर्स, दिस विल बिकम 3/2 एंड दिस विल बिकम 16 में से 9 जाएगा तो आपके पास बचेगा 7/16. सो अल्टीमेटली यू कैन से साइन एंड देन टेन इनवर्स 3/2 इंटू 16/7. सो यू कैन से दिस इंप्लाइज दैट साइन एंड टेन इनवर्स व्हाट, दिस विल बी 24/7. बट आप लोग अभी भी इस साइन को इस टेन इनवर्स से नहीं कट कर सकते बिकॉज ये दोनों कंपैटिबल नहीं है कन्वर्ट होने के. देन आप लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, आप बोल सकते हैं कि आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन इनवर्स में, जो हमने प्रीवियसली देखा हुआ है अभी. सो ये हो जाएगा आपका साइन एज इट इज़ और इसको आप बोल सकते हैं साइन इनवर्स. ध्यान से देखें, ये आपके पास है पी, ये आपके पास है बी, तो 24 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, तो ऑब्वियस 25 यहाँ पर आने वाला है. तो साइन इनवर्स होता है आपका पी बाई एच, पी बाई एच का मतलब 25 अपॉन एच कितना है आपका 20, सॉरी पी बाई एच है ना आपके पास, पी है आपका 24 और एच कितना है आपका 25. ओके. साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा सिर्फ 24/25. सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया आपके पास. ओके. नोट करने वाली बातें ये हैं आपके पास कि भले ही आपके पास हेल्पिंग बुक्स में आपकी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले गिवन हैं आपके पास, बट आप उन तीनों में से एक भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज एनसीईआरटी बुक्स में आपके पास सिर्फ और सिर्फ टैन इनवर्स का ही फॉर्मूला गिवन है. तो आप लोग
कन्वर्ट करेंगे अपने इनवर्स को टैन इनवर्स में, एंड सिमिलरली टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे डिपेंडिंग अपॉन एक्स इंटू वाई करने पर आपको लेस देन वन मिल रहा है या फिर ग्रेटर देन मिल रहा है. ओके, सो इसको प्लीज़ आप लोग नोटिस कर लीजिए और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए.